नमस्ते। हृदय की बात भाग 32। हम शांति की खोज में हैं। शांति की खोज का मार्ग जो है वो तो लंबा ही होता है, इसलिए बहुत सारे वीडियो हम इसी के ऊपर देखेंगे। तो सिकंदर की बात हो गई, सृष्टि सुमेध की बात हो गई, तो और एक बात कि हमारी शांति को भंग करने के लिए जो कुछ भी कारण होते हैं उसमें से एक कारण होता है क्रोध, गुस्सा। हम गुस्से में होते हैं तो हम अशांत हो जाते हैं, सही बात है। ऐसा कहते हैं कि गुस्सा माने क्या, कहीं मैं पढ़ा था कि गुस्सा माने क्या, तो उसका जवाब दिया किसी ने कि दूसरे की गलती से की सजा अपने आप को भोगने पर मजबूर करना। आप देखेंगे कि हम किसी के ऊपर गुस्सा होते हैं तो वो तो आदमी चला भी गया, शायद उसको याद भी नहीं रहा होगा, लेकिन हम पूरा दिन उस गुस्से में जलते रहते हैं और सजा भुगतते रहते हैं। तो इसलिए लोग ऐसा कहते हैं, संत महात्मा जो होते हैं वो कहते हैं कि आपको क्रोध कम करना चाहिए, कोशिश करो जितना भी हो सके उतना कम करो। हर एक आदमी तो संत नहीं बन सकता, मैं फिर से कहता हूँ कि मैं भी सामान्य हूँ, मुझे भी कभी कभी क्रोध आ जाता है, लेकिन अब एक है कि करीबन ये 20 साल से मैं ध्यान कर रहा हूँ तो उससे मेरा क्रोध बहुत कम हो गया है, बहुत ही रेयर केस में क्रोध आ जाता है, और वो भी क्रोध सिर्फ कोई गलत चीज़ होती है ना तभी आता है, बाकी नहीं होता। तो क्रोध की बात ऐसे ही किसी धर्मगुरु को बताया, पूछा मैंने किसी ने कि आपको क्रोध क्यों नहीं आता, तो उस धर्मगुरु ने बताया कि भाई जब कभी भी क्रोध आता है तो मैं ऊपर देखता हूँ और सोचता हूँ कि अरे यार कल मुझे छोड़ करके ये सारी चीज़ें ऊपर ही जाना है भगवान के पास, तो क्रोध करके क्या मतलब है, भगवान पूछेगा तो मैं उसको क्या जवाब दूंगा, इसलिए मैं क्रोध नहीं करता। कभी कभी क्रोध आ जाता है तो मैं आजू बाजू में सबके पास साथ देखता हूँ तो मेरे आसपास भी कितने सारे दुखी लोग हैं, मेरे से ज़्यादा दुखी, तो फिर ऐसा लगता है कि यदि इतने सारे लोग दुखी है तो मेरे दुख के लिए मैं क्यों क्रोध करूं। और कभी क्रोध आता है तो मैं नीचे देखता हूं और सोचता हूं कि मरने के बाद मुझे कब्र में जाने के लिए कितनी जगह चाहिए, 6x3 फुट, तो उसकी इतनी सी जगह के लिए बाकी सारा मैं दुख क्यों उठाऊं, क्यों सारी चीज़ों के ऊपर क्रोध करूं। इसलिए मैं साधारणतः क्रोध नहीं करता, बस ईश्वर का नाम लेता हूं और उसकी याद में रहता हूं, जिससे मैं शांति का अनुभव कर सकता हूं। हम भी ऐसा ही सोचे कुछ, देखते हमारे व्यवहार में कुछ ऐसा होता है क्या। धन्यवाद।